स्टार्ट मैक्सिमा मिनिमा। हम लास्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्या कराया था, इनस्फीयर इनस्क्राइब सिलेंडर इनस्फीयर, तो एक मैक्सिमम वैल्यूम का केस कराया था। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ फाइंड द मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी इनस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे रेडियस आर गिवन है स्फीयर का, तो फिगर बनाएंगे सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, आर तो इसका रेडियस है ना, डायमीटर कितना हो जाएगा स्फीयर का, 2R। तो सिलेंडर का रेडियस ये डायमीटर होगा, 2R होगा ये रेडियस, हम स्मॉल आर मानेंगे, ये थीटा लेट कर लेंगे ठीक, ये एच और ये आर। अब क्या किया, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ इनस्क्राइब सिलेंडर रेस्पेक्टिवली लिख लेना इन अ स्फीयर ऑफ गिवन रेडियस आर। लेट ए बी सी यानी बी पे थीटा मान लिया, साइन थीटा पी बाय एच, तो एच अपॉन 2R क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्योंकि इनस्क्राइब फिगर की दो चीज़ें हैं मेरे पास, स्मॉल आर और एच, तो दोनों में से एक को रिमूव करना पड़ेगा मुझे, या तो मैं दोनों को ही रिमूव करूँगा क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करूँगा, इसलिए दोनों की वैल्यूज चाहिए होंगे मुझे। कॉस थीटा बी अपॉन एच, 2R अपॉन 2 कैपिटल आर, 2 से 2 कैंसिल, आर इक्वल स्मॉल आर की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ इनस्क्राइब सिलेंडर। तो क्या होता है इनस्क्राइब सिलेंडर का सरफेस एरिया बोल गए तो टोटल सरफेस एरिया, तो 2πRH यानी ये नीचे और ऊपर से क्लोज्ड होगा, 2πR² फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड, एच की वैल्यू भी डालो आर की वैल्यू भी डालो, देखो पुट कर दी मैंने, ये तो किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है 2πRH और R की वैल्यू और H की वैल्यू दोनों की डाल दी मैंने, R और H की वैल्यू दोनों डाल दी ठीक है। और यहाँ पे किसकी, स्मॉल R था ना, स्मॉल R के इक्वल क्या आया मेरे पास, कैपिटल R cos थीटा, तो स्मॉल R का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब खोलूँगा तो इसको क्या होगा, यहाँ क्या किया मैंने, पहले यहाँ देखो, यहाँ मैंने 2 आगे लिया है, ए 2 साइन थीटा cos थीटा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन 2 थीटा cos थीटा पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, उससे अवॉइड करने के लिए इसे मैंने चेन रूल में कन्वर्ट कर लिया, साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो आर का स्क्वायर भी होगा cos स्क्वायर थीटा भी होगा, ये हो गया। अब देखो क्या करना है मुझे, डेरिवेटिव करना है गैस थीटा के रेस्पेक्ट, साइन 2 थीटा का करूँगा। अब समझो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कैसे करूँगा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा का क्या होगा cos 2 थीटा, फिर क्या बचा 2 थीटा, चैन गुल लगेगा ना भाई, थीटा का माना जाएगा 2 आई, ये आ गया 2 cos थीटा, तो इसीलिए cos 2 थीटा और 2 मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया इससे 4 हो गया। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, देखो स्क्वायर का कैसे cos स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर नहीं है cos स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, करेंगे क्या होगा, पहले पावर को होगा cos 2 थीटा, फिर क्या होगा cos डैश, क्या आया मेरे पास cos का क्या होता है नेगेटिव 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, sin माइनस तो बाहर आ गया, ये फॉर्मूला बनता है sin 2 थीटा का ठीक है, ये भी आ गया होगा ठीक। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया तो उसके इक्वल 0 पुट करेंगे, जो भी कॉमन है बाहर लो, अब ये बच गया, इसको डिवाइड कर दो बोथ साइड किससे, कॉस थीटा से, टेन थीटा का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, ये बना टेन थीटा, अब टेन इनवर्स इस साइड आएगा फिर 2 बचेगा। देखो मैं बता देता हूँ कैसे होता है, वैसे तो तुमने सेकंड चैप्टर में सीख लिया होगा, नहीं सीखा तो यहाँ सीख लो, टेन इनवर्स 2, यहाँ बचा 2 थीटा, अब ये मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में आएगा तो ये आंसर आएगा, इसके बाद ये स्टेप ठीक है सिक्वेंशियल एसेस। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा तो इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, किसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका था, यहाँ cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का क्या होगा, अब तुम सीख चुके हो ना भाई कैसे, cos 2 थीटा का पहले क्या होगा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस आ गया, फिर 2 थीटा का क्या होगा 2 होगा, वो मल्टीप्लाई हो गया 4 से 8 हो जाएगा, इसलिए मैं 8 माइनस 8 पाई स्क्वायर sin 2 थीटा हो गया। अब क्या है मेरे पास, यहाँ पे sin 2 थीटा
इसमें भी क्या लगेगा, चैन गुड लगेगा। साइन टू थीटा का पहले क्या करेंगे, कॉस टू थीटा, फिर टू थीटा का करोगे टू आएगा, वो टू टू से मल्टीप्लाई होगा फोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन है बाहर निकाल लो, मैं माइनस का कॉमन बाहर निकाल लो, बाकी अंदर बचा। अब इसमें क्या करूँगा, थीटा की वैल्यू पुट करूँगा जो कि वन बाई टू टेन यूनिवर्स हाफ है, टू है सॉरी, यहाँ अब ये जो टू था ना, यहाँ कॉस टू थीटा एन वाई है, इसको लिख के दिखाता हूँ ना, एक को यहाँ दिखाता हूँ, चलो साइन टू टू वन बाई टू टेन यूनिवर्स टू, ये टू से टू कट जाएगा, क्या बचा साइन टेन इनवर्स टू बचा। इसी तरह से वहाँ टू से टू कटेगा, कॉस टेन इनवर्स टू बचेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, ये पूरा रिजल्ट तो नेगेटिव है ना भाई, तो ये जीरो से लेस होगा। हैंस सरफेस एरिया इज मैक्सिमम एंड थीटा इक्वल दिस। अब मुझे मैक्सिमम एरिया भी फाइंड करना है, मैक्सिमम तो हो गया, उसने बोला क्वेश्चन में शो मैक्स फाइंड मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, तो मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है तो मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, किसमें, यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगे इस वाले में, तो इसमें जरा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, देखो थीटा इक्वल वो आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा टेन टू थीटा इक्वल टू आ गया, ठीक है, और यहाँ मेरे पास साइन टू थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलो पहले क्या करते हैं, इसके नीचे वन मान सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल क्या पढ़ा हमने दसवीं क्लास में, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, ये पाइथागोरस थ्योरम होगा कोई अंडर रूट फाइव आ जाएगा, पी अपॉन एच होगा साइन थीटा, साइन टू थीटा लेट कर लिया मैंने यहाँ पे, टू बाई रूट टू कॉस थीटा वन बाई रूट टू, ठीक है। अब देखो कॉस टू थीटा आया, अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कॉस टू थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब मैंने क्या किया, ये जो टू था ना इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया। अब मैंने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैं दोबारा लिखता हूँ आपके सामने, टू कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा। जिन्होंने ये फॉर्मूला नहीं सुनाया था मुझे, वो लिखें दोबारा से, मैं चेक करूँगा उनका ही फॉर्मूला, ठीक है। इसकी जगह ये पुट कर दिया, अब क्या हो गया, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, देखो कैसे सब जगह टू थीटा हो गया, मस्त हो गया क्वेश्चन। तो अब इसे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे भी साइन थीटा। अब क्या कॉमन है इसमें, कॉमन देखो ये है, बाहर निकाल लिया, ये टू टू जा फोर अंडर रूट। अब देखो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे भी क्या है रूट टू है, इसके नीचे भी क्या है रूट टू है, बेस सेम, वो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फोर प्लस वन कितना था फाइव, फाइव अपॉन अंडर रूट ये प्लस वन, तो फाइव के फैक्टर क्या होते हैं रूट के अंदर, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो नीचे फाइव है ना भाई, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो इतना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, यहाँ पे यूनिट नहीं देगा इसलिए हम स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। इन स्क्वायर सिलेंडर इन अ कोन का केस देखेंगे, प्रूव दैट रेडियस ऑफ गाइड सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ गिवन गाइड सर्कुलर कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो भी रेडियस ऑफ सिलेंडर इन स्क्वायर सिलेंडर क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन का हाफ होगा बोल रहे हैं। अब हम जो लेट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। लेट आर स्मॉल आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ इन स्क्वायर सिलेंडर इन अ कोन ऑफ हाइट एच रेडियस कैपिटल आर। यानी मैंने स्मॉल आर गेट किया तो स्मॉल आर किसके को लाना चाहिए, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के इक्वल आना चाहिए। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, बाकी ये दो आपके लिए, आपको प्रूव करने हैं, आपको फाइंड करने हैं। देखो ये फिगर बना, इसके अंदर मैंने कोन बनाया, ये पूरी हाइट कोन की हाइट एच है, और ये रेडियस का सिलेंडर का रेडियस आर है स्मॉल आर, और सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच है, और कोन का रेडियस कैपिटल आर है। अब आपने दसवीं क्लास में सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा होगा, नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको दोबारा। देखो इसमें दो ट्राइंगल बन गए, इस वाले पोर्शन को देखना आप, इस वाले पोर्शन को मैं डार्क कर रहा हूँ, मैं आपके लिए पोर्शन डार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, नजर आगा आपको, ये देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला,
इन दोनों में क्या कॉमन है? ये तो 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। देखो ए बी सी, बी को बीच में रखेंगे, बात सीख चुके हो आप, ए ई डी, ये इस 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए क्या कॉमन है दोनों में? देखो दोनों में कॉमन है, ये बड़ा वाला था ना, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, उसकी दो पार्ट हैं, ये ऊपर ये पूरा। और ट्रायंगल सिमिलर हो गया किससे? एंगल एंगल से। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है? बेस को बेस से डिवाइड करो, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड करो, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो, ठीक है ये बात। अब स्मॉल ट्रायंगल का बेस, पहले मैंने हाइट ले ली, परपेंडिकुलर ले लिया, ए बी है, और बड़े वाले ट्रायंगल का ए ई है, स्मॉल वाले का बेस बी सी है, और बड़े वाले का ई डी है, प्रोपोर्शनल हो गए, याद पता चल गया, बाकी जगह भी काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। ए बी क्या है? ए बी देखो पूरा क्या माना मैंने, यहाँ तक क्या था ये देखो, ये क्या है, वहाँ फिगर में देखना ना, चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच है ना, ए बी कितना हुआ, ए बी किस है, ये कैपिटल एच में से स्मॉल एच माइनस हो जाएगा, तो ये लिखा, और ए कितना है, एच है, कैपिटल एच। उसी तरह से हम देखेंगे बी सी क्या है, स्मॉल आर है, और ई डी कैपिटल आर है, तो मैंने स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली है, डिवाइड में डा इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लेट सी बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनस्क्राइब सिलेंडर इन अ कोन, सी इक्वल टू पाई आर एच, क्योंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच होता है। अब इसमें से क्या करूँगा, आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट कर दी मैंने, इसे एक्सटेंड और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास क्या थे, इनस्क्राइब फिगर के दो चीजें थी, स्मॉल आर स्मॉल एच, स्मॉल आर स्मॉल एच, तो उसमें से एक को मैंने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको क्या, स्मॉल आर को। अब क्या बचा है मेरे पास, स्मॉल एच बचा है, तो स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। तो देखो यहां तो एच स्मॉल एच है, वन डी अपॉन डी एच क्या होता है, वन डी अपॉन डी एच, एच स्क्वायर का टू एच हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल जीरो पुट करो, जीरो पुट किया, बाकी दो चीज सेट जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसके इक्वल ये आया। और किसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया उसकी वैल्यू निकालो, स्मॉल एच के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया स्मॉल एच की वैल्यू निकाली, फोर मैक्सिमा और मिनिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं चला मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है। किसका करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी बात है, इसका करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एच है तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एच के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करगा, स्मॉल एच का वन हो जाएगा, माइनस टू बचेगा। अब एच की वैल्यू पुट करेंगे, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनस्क्राइब सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट व्हेन स्मॉल एच इक्वल कैपिटल एच अपॉन टू। लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना है, हमें क्या करना है, रेडियस, रेडियस ऑफ इनस्क्राइब सिलेंडर क्या होगा, कोन का हाफ होगा, कोन के हाफ, रेडियस के हाफ। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन का यूटिलाइजेशन कर दूंगा, यहाँ पे जरा सा मैंने क्या कर लिया, जो ये आर ऊपर था और बटे में एच था, इसको इधर लाया, इधर क्या बचा, एच माइनस एच, तो उस एच की जगह स्मॉल एच की जगह मैंने एच बाई टू पुट कर दिया। चलो एक बारी मैं दिखा देता हूँ, वैसे पल्ले नहीं पड़ रहा हूँ, ये देखो स्मॉल एच, अब इसको मिटा के आपके लिए दोबारा कर देता हूँ, ये अब वन में से हाफ एच जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, एच बाई टू बचेगा, एच से एच कट के ये क्या आ गया मेरे पास, आर अपॉन टू आ गया, ठीक है। हैंस व्हेन कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट देन रेडियस ऑफ सिलेंडर इन स्क्वायर सिलेंडर इज हाफ ऑफ कोन हो गया, कोन के रेडियस का। अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ इन स्क्वायर कोन वो हाफ ऑफ हाइट ऑफ कोन हो जाएगी, और मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया भी सिलेंडर का फाइन करना है, दोनों केसेज में बोल सकते हैं, ये दो पार्ट आप खुद कीजिए। वो हाइट वाला तो मैं यहाँ तक प्रूव कर चुका हूँ, आपको कुछ करना नहीं, यही दोबारा प्रूव कर देना, वहाँ तो हो जाएगा, बस एच की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर देना, किस वाले में, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया के लिए इसमें पुट कर देना, देखो करके दिखा दूँ,
H की जगह क्या पुट करना है? अगर H आया तो, R आया तो R, कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? कब सकते हैं स्क्वायर यूनिट से लिखेंगे आप, इसी तरह से आर आएगा तो आर की जगह पुट करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 है, ये देखिए आप। सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यूम विच कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 बाय h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसमें दो एक पार्ट ये आपको करना है, ये पार्ट मैं यहीं सॉल्व कर दूंगा अभी, ठीक है? ये दो पार्ट एक्स्ट्रा हैं। तो देखो उसने क्या दिया मुझे, कौन की हाइट एच दी, स्मॉल एच, स्मॉल एच हाइट दे रखी कौन की, ठीक है? लेट एच कैपिटल एच और कैपिटल आर वी द हाइट एंड रेडियस ऑफ इनस्क्राइब सिलेंडर रेस्पेक्टिवली एंड स्मॉल एच वी द गिवन हाइट एंड अल्फा वी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। टेन अल्फा क्या हो जाएगा? पी वाई वी, ये का कैसे होगा? ये देखो ये एच कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच ज़्यादा बड़ी है, कौन की हाइट है, तो ये हाइट कितनी बची? स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, ये कैपिटल आर है, ये देखो। अब इसे इधर ले गया, इसे बटे में ले आया, 1/10 थीटा कॉट थीटा होता है, ये कॉट अल्फा हो जाएगा। अब मुझे कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी, कैपिटल एच की वैल्यू क्यों निकालनी? क्योंकि कैपिटल एच इनस्क्राइब सिलेंडर का है, इनस्क्राइब सिलेंडर की दो चीज़ें हैं, कैपिटल आर कैपिटल एच, उन दोनों में से क्या होना चाहिए? एक वैल्यू उसको वो करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। लेट वी वी द वैल्यूम ऑफ इनस्क्राइब सिलेंडर इन कौन वी, ये का फ्रॉम फर्स्ट, ये जो फर्स्ट से क्या निकाला था मैंने, एच की वैल्यू क्या निकाल दी थी? एच माइनस आर कॉट अल्फा, ठीक है? आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मेरे पास डेरिवेटिव करेंगे 2RH माइनस 3R स्क्वायर कॉट अल्फा, वी आर इसका डॉट जीरो लिखा, आर पाई इक्वल जीरो, ठीक है? अब इसके इक्वल क्या हो गया? ये आ गया मेरे पास आर इक्वल क्या आ गया, डिवाइड कर दो, 1/cot alpha 10 alpha हो गया, 2/4 मैक्सिमा और मिनिमा। अब क्या करेंगे? डबल आर एच, आर की जगह 1/3R² 6R cot alpha, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कट कर दो, एच 10 alpha cot 10 alpha 1 हो जाएगा, ये कट कुट के -2 आएगा, ठीक है ना? 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेगा। हैंस वैल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल दिस, फ्रॉम फर्स्ट पुट कर दी वैल्यूज को, कॉट ये क्या होगा 1, अब ये एच बाय 3 हैंस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, और आर क्यूब था उसका क्यूब हो जाएगा, तो इसमें एट 10 क्यूब आए,
टेन क्यूब में से एक टेन निकालो इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा वन, अभी बताया था मैंने कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये बच्चा है, इसमें से एलसीएम निकालो, ये अंदर ये बच्चा, अब ये थ्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये वन बाई थ्री आ जाएगा ना। चलो कर देता हूँ इसके, वन बाई थ्री तो कितना हो गया, ये नाइन था, 27 हो जाएगा, बाकी सब प्रूफ हो गया जब वैल्यूम मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यूम भी आ गया है।